वेलकम टू बाजी की दुनिया कनाडा में। एंड आज का मेरा व्लॉग है हमारे भाईजान की शादी पे, जो उनकी बारात थी बारात डे पे, और कल का ऑब्वियसली होगा वलीमे पे। सो मैं हमेशा अपना जो व्लॉग है नेक्स्ट वो स्टार्ट करती हूँ प्रीवियस व्लॉग के साथ। तो यहाँ मेहंदी का एंडिंग हो रही है, तो वाइंड अप हो रहा था मेहंदी का, तो मैंने यहाँ से इसलिए व्लॉग स्टार्ट किया है ताकि इट्स फॉर माय ओन मेमोरीज बेसिकली। तो मैंने सारे ही व्लॉग शेयर किए हैं, हमारी दो शादियाँ जो आई हैं। ये जो शादी है भाईजान की, ये एक महीना पहले हुई थी। इसका व्लॉग डालने का मुझे ऐसा कुछ चांस नहीं मिला, तो मैं आज डाल रही हूँ। मेहंदी का मैंने डाला हुआ है, तो अब होगी बारात का व्लॉग और भी होगा वलीमे का व्लॉग। एंड गाइस, बारात का जो फंक्शन था ना हमारा, था 1 बजे का। 1 बजे बारात पहुँचनी थी और हम फजर टाइम तैयार होने निकल गए, क्योंकि तैयार होने में 5-6 घंटे लगते हैं और हमें 10 बजे तक घर पहुँचना था। तो हम फजर टाइम निकले हैं। अब देखें, थोड़ी रोशनी हुई है रस्ते में ही, और हमने पार्लर गए। पार्लर जाके हमने पार्लर पहुँचने से पहले ही बेसिकली नाश्ता भी किया, क्योंकि जाहिर है सुबह के टाइम तबीयत थोड़ी खराब हो रही होती है। पराठे सुबह सुबह भाईजान लेकर आए हैं मजेदार से, ये अंडा पराठा साथ में है, ये गर्म गर्म चाय चाय जो मजा है। भाईजान कह रहे हैं कि मेरी आवाज बहुत ही फटी फटी है, पर भाईजान को क्या पता कि इस वक्त फटी आवाज इसलिए कि हम सोकर उठे हैं। पराठा बना के ना ऊपर ऑमलेट रोड के, हाँ उसको पका दिया है। तो ये है ऑमलेट पराठा गाइस, मजेदार सा, और ये इतना मजे का है ना, इसमें वो है मैदे का पराठा बना हुआ है, इसलिए मजे का है। और कहाँ पर बन रहा था? वहाँ पर लारी अड्डा। अच्छा, वो सामने बना रहा था। लिटरली गाइस, हमारी तबीयत इतनी खराब हो रही थी, सुबह सुबह हम उठे हुए हैं, लेकिन हमने फिर भी ये रिस्क लिया कि हम बाहर से खाना खाएं। और इसको ना अंदर डबो के भी पी सकते हैं, इसके अंदर डबो के। और देखिए कप भी हम कौन से इस्तेमाल करें, फूड पॉइजनिंग के बाद भी हमने अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। चीयर्स मेरे ऊपर। आज भाईजान दूल्हा है ना, तो इसके ऊपर गाते हैं। जैसा मैं पकड़ी गिरी जाएगी। गरम ही बोल। भाईजान एंजॉय योर पराठा विद अस टुडे। नो मी नो। और हम ना पार्लर खुलने से पहले ही पहुंच गए थे पार्लर, और बल्कि उनके ना एम्प्लॉयज़ भी आए नहीं हुए थे। हमें बहुत ही लेट हो गया तैयार होते होते, क्योंकि हम पहले पहुंच के एम्प्लॉयज़ बहुत लेट आए, बिकॉज दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस सो अर्ली। वेल दे वर एक्सपेक्टिंग अस, बट दे वर जस्ट डिलेड फॉर नो रीज़न। एंड गाइज़, यहाँ पर आई एम डूइंग चीयर्स विद माई ड्रेस। एनी वेज, आई जस्ट लव डूइंग दैट नाउडेज। और ये था मेरा ड्रेस बारात वाले दिन का, और मुझे मेरा ड्रेस इतना पसंद आया था बारात का भी, और ये उसके साथ ज्वेलरी थी मैचिंग। एंड यहाँ पर हम निकल रहे हैं बारात के लिए, वी आर गेटिंग रेडी। वो जो आगे गाड़ी जा रही है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रूम, और वो भाईजान की गाड़ी है, हमारे भाईजान की। इस वक्त बारात जा रही है, टाइम क्या हुआ है ना? 1:35 हुए दोपहर के, और दोपहर का फंक्शन था, तो इस वक्त बारात जा रही है। वो भाईजान की गाड़ी है, हमारी गाड़ी भी सजी हुई है, वो देख सकते हैं, हमारे भी वो फूल लगा हुआ है, बाहर से भी दिखाऊंगी। और दोपहर का फंक्शन था यहाँ पर, 1 बजे से लेके 4 बजे तक फंक्शन खत्म हुआ। वो भाईजान है ना, वो इस वक्त बाहर निकले हैं गाड़ी से अपना ड्रोन शॉट लेने के लिए, तो वो बारात का ड्रोन शॉट ले रहे हैं। और वो देखें वो आगे कैसे जाके बैठ गए हैं उसके ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। गुड जॉब ब्रो, टेलिंग इन द वीडियो, यू डिड अ ग्रेट जॉब। और ये ड्रोन उड़ गया है। सो भाईजान ने क्या किया, ये ना हमसे पीछे वाली गाड़ी में बैठे हुए थे ये दोनों भाईजान, ये जो हमारे अमेरिकन भाईजान हैं जिन्होंने ड्रोन शॉट्स लिए थे। तो ये उतरे हैं, इन्होंने गाड़ियाँ रुकवाई हैं, ये उतरे, और इन्होंने जाके जो आगे पिकअप आपको ट्रक नज़र आ रहा है ना ब्लैक कलर का, जहाँ कैमरा मैन बैठे हुए थे, ये वहाँ जाके बैठ गए उसमें। और इन्होंने फिर हमारी पहले गाड़ी रोक कर ड्रोन शॉट लिए, उसके बाद गाड़ी चलाने के बाद ड्रोन शॉट लिए। और हमारी गाड़ियाँ जिस तरह लाइन अप हुई हुई हैं ना, सो आगे सबसे दुल्हा की लाइन है, दुल्हा की है गाड़ी, उसके पीछे फिर हमारी सारों की गाड़ियाँ हैं। तो ये जो ड्रोन शॉट अब इतना अमेजिंग चीज़ आ गई है, आई मस्ट से कि एक ज़माना होता था, मुझे याद है कि कैमरामैन जैसे अपने विंडो से बाहर निकलकर शॉट्स लिया करते थे, और अब आप देखें कि अब कोई मसला ही नहीं है। अब तो ऐसे फैंसी किस्म के शॉट्स लिए जाते हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं। अब ये देखें, ये कलरफुल चीज़, मुझे पता भी नहीं है इसका नाम क्या है, ये कलरफुल चीज़ चलाते हैं गाड़ियों के सामने, दूल्हे की गाड़ी के सामने, उसका भी एक बहुत ज़बरदस्त सा खूबसूरत सा वीडियो बनती है, बहुत अच्छा शॉट आता है। सो ये भी भाईजान ने ड्रोन शॉट लिया, एंड भाईजान ने बहुत मेहनत की है गाइज, लाइक इस तरह से ड्रोन शॉट्स लेना इट्स अ बिग डील, आई नो दैट, बींग अ वीडियोग्राफर आई नो
how hard this is. And thank you so much, Bhaijaan. We really appreciate your hard work. And यहाँ पर बारात हमारा वेट कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फूल हाथ में लेकर. और ये भी हमारे भाईजान हैं. And guys, let's talk about the decor now. ये है हमारा खूबसूरत सा बारात के दिन का डेकोर. And look at this stage. And look at it. It's so amazing, so amazing. इस ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है ना, ये मैंने फोटोग्राफर जो थे ना हमारे, उनसे मैंने ये वीडियो लेकर इसमें डाली है मेरी वीडियोस में. स्टेज तो खूबसूरत है ही, लेकिन इसकी छत पे इतनी खूबसूरत बनाई हुई है ना, लाइक नॉट द स्टेज, ये वॉकिंग आई थी जहाँ दुल्हन ने वॉक करके आना है. सो क्योंकि ये मेरे भाईजान की शादी है, हम बारात वाले थे, हम बारात लेकर आए थे, तो मैं जैसे ही एंटर हुई हूँ ना, सबसे पहले मैंने खाली हॉल की फ़ौरन से वीडियोस बना ली. बिकॉज़ अगर हमारा अपना फंक्शन होता है ना, तो ऑब्वियसली मैं पहले हॉल में पहुँच जाती हूँ, तो मैं जाके अपनी पसंद की ना जैसे जैसे वीडियोज़ बनानी होती है मैं बना लेती हूँ. लेकिन क्योंकि हम बारात के साथ आए थे, तो हमारे पीछे ज़ाहिर है पूरा क्राउड था, तो सब ने जाके बैठ जाना था सोफ़े पे या सीट्स पे. तो मैंने जल्दी से ना एंटर होते ही, आई जस्ट एंटर द हॉल एंड फर्स्ट थिंग आई डिड वाज जस्ट टू रिकॉर्ड द डेकोर. मैंने कहा फिर ये डेकोर की वीडियोस रह जाएंगी, एंड व्हेन विल आई गेट अ चांस टू रिकॉर्ड इट अगेन. यहाँ पर दुल्हन की एंट्री हो रही है. फर्स्ट इन्होंने ये ड्राई आइस के साथ और इलेक्ट्रिक अनार के साथ ये एंट्री की थी दुल्हन की. बहुत ही इमोशनल एंट्री थी गाइस, बहुत ही इमोशनल एंट्री थी. इट वाज अमेजिंग, इट वाज जस्ट सो गुड. एंड लुक एट इट, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, इट्स लाइक यू आर वॉकिंग इन द हेवंस. और पाकिस्तान में ना एक बहुत ज़बरदस्त बात ये भी है कि आप जैसी चाहें अपनी एंट्री करवा सकते हैं. लुक एट दिस अमेजिंग एंट्री, लाइक दिस वॉज विद ड्राई आइस. कितनी खूबसूरत लगती है ड्राई आइस के साथ ऐसे दुल्हन वॉक करके जाती है स्टेज पर. It's just the best. I have no words. I have no words at all. और यहाँ पर भी भाईजान रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने ड्रोन शॉट कैमरे के साथ हॉल में. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो ड्रोन कैमरा था ये थोड़ा ना कांप रहा था, लाइक मे बी देर वॉज सम एयर प्रेशर इशूज थे, या फिर मोस्ट लाइकली एयर प्रेशर इशूज होंगे, बिकॉज ऐसा लगता था कि ये ना इसको प्रॉब्लम हो रही है ड्रोन को उड़ने में. लेकिन बस ये प्रॉब्लम भी होती है ना, जब आप इस तरह डेकोर में जाकर या इस तरह चीज़ों के पास आप उड़ाते हो, तो बहुत केयरफुल होना होता है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ के साथ भी टकरा दिया ना ये ड्रोन को, तो ये किसी को जाके सर पे लगेगा, लाइक इट हैज़ दिस शार्प ब्लेड्स, तो बहुत अनसेफ भी होता है. सो भाईजान बहुत केयरफुल ड्राइव भी कर इसको फ्लाई कर रहे थे. एंड यहाँ पर जो ये दुल्हन के भाई हैं, ये तीनों, ये चारों, सो तीनों भाई हैं, एक कज़न है, एंड ये सारे देखे उन्होंने मैचिंग कपड़े पहने हुए, खाना खा रहे थे, और यहाँ पर ये मांगने आए पैसे, हमारी मांगे पूरी करो. फन गेम्स आई टेल या गाइज, वहाँ पर मैंने इतनी वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमने एक गेम खेली थी छोटी सी. इसमें हम सब ने, हम बहनों ने अपनी रिंग्स डाल दी थी इसके अंदर, और अब दुल्हन दुल्हन ने दुल्हन की डायमंड रिंग ढूंढनी थी. तो हमने इसमें लाइक 3-4 गोल्ड की रिंग्स डाल दी थी, ताकि जब दुल्हा दुल्हन ढूंढेंगे तो एक रिंग ढूंढना आसान है, लेकिन एक स्पेसिफिक रिंग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, राइट? सो दिस इज द गेम वी प्लेड एंड वी एंजॉयड इट सो मच. सो लेट्स सी कि हमारी जो रिंग है कौन ढूंढता है. ओके, जो ये वाली अंगूठी ढूंढेगा ना, वो इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल रहेगा. इसमें 3 अंगूठियां और है, जो वो ढूंढेगा ना जिस बाजी की पहले, वो ज्यादा पावरफुल रहेंगी. So there's so many in here. सुबह के निकले हुए हैं और रात के 2 बजे घर आए हैं, और अब फिर हमने 2 घंटे सोना है, और हमने फिर वलीमे के लिए निकलना है. तो गाइस हम सोने लगे हैं, तो आज की वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ. वलीमे का व्लॉग कल होगा. सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑब्वियसली वॉच इन द मॉर्निंग. ज़्यादा उनसे बोल नहीं सकती मैं. और जो भाईजान है ना, ये बंदोबस्त कर रहे हैं बिस्तरों का, तो अब हम यहाँ पर अपनी वीडियोज़ ख़त्म करते हैं. चल जाके उसको बिस्तर देखिए. एंड वहाँ पर भाईजान की बात पूरी नहीं हो सकी, ज़रूर भाईजान का मजाक कर रहे होंगे. मेमोरी डाउन हो जाती है, एक तो आई क्लाउड काम नहीं कर रहा था पाकिस्तान में. सो मेनी इश्यूज़ गाइस, सो मेनी इश्यूज़. एंड ये देखें हमारा घर कितना खूबसूरत सा सजा हुआ था,
once again I'm going to show this house again and again until I finish with this wedding guys and if you like my videos subha ke 6 a.m. Canadian time apni videos upload karti hu do not forget and do subscribe thanks for watching